हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? सभी ठीक हैं? चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग प्रकार के नंबर्स। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3-4 से ही, कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 etc. तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड वन इज होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स के साथ जब जीरो आ जाता है, काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जैसे हम लोग नंबर लाइन में देखते हैं, जीरो ओरिजिन पे होता है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अलोंग विद जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या कोई रिलेशन है? है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसका फैक्टर अधिक से अधिक दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। द नंबर विच इज एदर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, या तो वो वन से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल टू। टू क्या होगा? या तो वो वन से डिविजिबल है या फिर अपने आप से डिविजिबल है, तो टू इज ए प्राइम नंबर। अगेन थ्री, थ्री इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अगेन फाइव, फाइव इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। द नंबर हैविंग फैक्टर नॉट मोर देन टू, okay, that number is prime number. Next one is twin prime numbers. What do you mean by twin prime numbers? Twin primes. ऐसा दो prime number जिसको हम लोग आपस में जब minus करें तो क्या होना चाहिए? Two होना चाहिए। जैसे 3 और 5 हम लोग ले लेते हैं, दोनों prime number है। जब 5 minus 3 करेंगे तो 2 होगा difference। ऐसा जोड़ा prime number का जिसको आपस में हम minus करने पे difference उसका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वैसे number को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे 3.5, अगेन 5.7, इन दिस वे। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर मोर देन टू होना चाहिए। मोर देन टू का मतलब 3 फैक्टर अगर किसी का है तो वो भी कंपोजिट नंबर है, या मोर देन 3 है। तो एक एक करके देखते हैं। अगर हम 2 से शुरू करें तो 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है। नेक्स्ट क्या आता है? 4। अगर हम 4 का देखें तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो ये 2 से होगा, 3 से तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? 4। ये हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टर जो है वो 3 फैक्टर, 1, 2 और 4, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। इसका मतलब 4 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। 4 के बाद फिर 5 नहीं है, प्राइम नंबर है। 6, 6 का देखते हैं क्या होता है। 6 किस में? 1 से भी होगा, 2 से भी ये जाएगा, 3 से भी, एंड लास्ट में 6, 4 फैक्टर, दिस इज ऑल्सो। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑड और इवन। ऑड और इवन क्या होता है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल 9, 15, 21। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर जब भी ऐसा देखा गया एवरेज के अगर चैप्टर में, जब हम लोग पहले बनाते थे, परसेंटेज बनाते थे एवरेज या मीन मीडियन मोड में भी कंसेक्यूटिव का जिक्र है, एपी में जिक्र है। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर लेने बोलेगा तो सबसे पर अगर हम पहला एक्स लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1। फिर क्या होगा? एक्स प्लस 2। फिर क्या होगा? एक्स प्लस 3। इस तरीके का ये कंसेक्यूटिवली इंक्रीज होते जाएगा। ये तो बेसिक है नंबर के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। लेकिन एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या हमको प्रैक्टिस करना है, इसका बेसिक जानने के साथ ही हमको इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। सबसे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपोजिट नंबर। इस बार का भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है
कंपोजिट नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका स्टैंडर्ड मैथ था उसको थोड़ा घुमा के पूछा कि फाइंड द एचसीएफ, वन मार्क्स के क्वेश्चन में फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट वन डिजिट कंपोजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। दो नंबर का एचसीएफ निकालिए, जो कि पहला स्मॉलेस्ट वन डिजिट कंपोजिट है और दूसरा ग्रेटेस्ट टू डिजिट कंपोजिट। अब जब तक बच्चा को कंपोजिट नंबर नहीं आएगा वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा, भले ही उसको एचसीएफ एचसीएम निकालने आता हो लेकिन वो जब तक कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं जानेगा वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4, और ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 2 digit 99। स्मॉलेस्ट नंबर 4, ग्रेटेस्ट नंबर 99। अब इसको क्या करना है हमारा, एचसीएफ निकालने बोला। एचसीएफ हम लोग जानते हैं दो मेथड से निकाल सकते हैं, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन एल्गोरिदम मेथड, इक्विलिट्स के द्वारा जो दिया गया है। जब तक क्वेश्चन में इक्विलिट्स डिवीजन लेमा यूज करने नहीं बोला है तब तक हम चाहें तो डायरेक्ट डिवीजन भी लगा सकते हैं वहां पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस तरीके का जो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है ये पूछता है। अब एचसीएफ एलसीएम हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एचसीएफ एलसीएम डिटेल जाकर के आरएस अग्रवाल में आप ध्यान से देखें और पहले भी आप बना चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 2 marks or 3 marks के क्वेश्चन में पूछ देता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एचसीएफ से, एचसीएफ से ऐसा देखा जाता है वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं एचसीएफ से, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ऐसा एक लार्जेस्ट नंबर निकालिए जो 438 और 606 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो और रिमाइंडर जो है दोनों केस में 6 बचता हो। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जहां यहां लार्जेस्ट नंबर का बात किया और हम लोग पढ़ चुके हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जब रिमाइंडर बच रहा है ईच केस, यानी दोनों केस में 6 रिमाइंडर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 438 में 6 को माइनस कर देंगे। दूसरा, अब दोनों केस में 6 रिमेनिंग हो रहा है, फिर 606 में हम लोग 6 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो दोनों नंबर आएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर डिवीजन मेथड से। जहां भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, विच विल डिवाइड, इतना 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 कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, लिविंग रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है ईच केस का रिमाइंडर नहीं दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं दिया हुआ रहता है लिविंग द रिमाइंडर, अलग अलग नंबर का अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ रहता है। उस केस में फर्स्टली आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर दिया हुआ उसको आप उस नंबर से माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसका एचसीएफ निकाल देंगे इजीली। ठीक है, दूसरा आता है एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक फैक्टर है तो दूसरा मल्टीपल। एलसीएम में क्या क्वेश्चन आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी, देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए जो 28 और 32 को डिवाइड करने से रिमाइंडर बचता है 8 और 12, इसमें क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, किसका, जो क्वेश्चन बोला है 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या बोला है, एक में 8 रिमाइंडर हो रहा है और एक में 12 हो रहा है, तो 12 + 8 = 20। जो हमारा एलसीएम है उसमें 20 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा नंबर आ जाएगा। इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम कभी कभी पूछ सकता है, ये सिंपल है और रियल नंबर में या नंबर सिस्टम में उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पहला आपको पढ़ना है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम क्लास 5 या 6 में मैथ्स बनाते थे डिवीजन का, उसमें मैडम बोलती थी चेक भी कीजिए आप लोग, तो जो चेक करते थे डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर,
वही रिलेशनशिप है। तो डिक्लिट्स डिवीजन लेमा इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद एल्गोरिदम वही हो गया, फिर एससीएफ निकालने डिवीजन एल्गोरिदम से और लेमा के थ्रू, वो भी इजी है। अगर लेमा के थ्रू नहीं बोला तो हम लोग डिवीजन लगा सकते हैं। फिर इसमें तीसरा है आपका रैशनल नंबर, जो कि कल हम लोग डिस्कस किए थे। रैशनल में जो भी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग रहते हैं उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तीसरा फिर है इरेशनल, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। फिर उसमें पूछेगा प्रूफ डेट रूट टू इज इरेशनल, प्रूफ डेट रूट थ्री इज इरेशनल, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे रूट टू और रूट थ्री वाले को। अगर एक हम समझ गए रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने, तो उसी तरह रूट थ्री भी होगा, उसी तरह रूट फाइव भी होगा, उसी तरह रूट सेवन भी होगा। कंसेप्ट सेम है, बस हर जगह का प्रोसेस आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो ये वेरियस नंबर ऑफ नंबर सिस्टम हम लोग जान गए हैं। अब इक्विलिस डिवीजन लेमा भी समझ गए हैं पिछले क्लास में। एलसीएम एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बन रहा है, 11 12 नंबर तक बन गया है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल इस वीडियो के बाद। ठीक है, मिलते हैं इरेशनल वाले वीडियो में।